Hey guys, welcome to the Android Guide channel and आज के इस वीडियो में मैं आपको OPPO F19 Pro Plus 5G जो फ़ोन है उसको मैं कंपेयर करने वाला हूँ Realme Narzo 30 Pro के साथ। दोनों ही जो है वो 5G फ़ोन है और दोनों ही में जो है वो प्राइस डिफरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, बट स्पेक्स वाइज जो है वो दोनों काफ़ी जो है वो सिमिलर हैं। तो बहुत कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं इन दोनों फ़ोन में और थोड़े बहुत जो है वो डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे और प्राइस में जो है वो बेसिकली मेन डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। सो गाइस, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों फ़ोन में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या क्या डिफरेंसेज हैं। बट उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों के डिस्प्ले के बारे में। तो OPPO F19 Pro Plus जो फ़ोन है इसमें आपको 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो है आपको देखने को मिलेगा। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट उसमें आपको मिलेगा, जिसमें आपको पिक्सल मिलेगा 1080x2400 आपको जो है उसमें पिक्सल्स मिलेगा, उसका रिजोल्यूशन है। वहीं आपको Realme Narzo 30 Pro जो है उसमें आपको 6.5 इंच का HD प्लस डिस्प्ले आपको मिलेगा, LCD डिस्प्ले है वो, और उसमें आपको 120 हर्ट्ज का जो है आपको रिफ्रेश रेट मिलेगा और 180 हर्ट्ज का जो है आपको टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाएगा। दोनों ही में आपको फ्रंट में जो है वो पंच होल कटआउट जो है वो देखने को मिलेगा और दोनों ही में आपको 16 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा दिया गया है। फिंगरप्रिंट के मामले में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट OPPO F19 Pro Plus में आपको देखने को मिलेगा और वहीं आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट जो है वो आपको Realme Narzo 30 Pro में देखने को मिलेगा। बैक साइड के बारे में बात करें इन दोनों फ़ोन्स में, तो आपको ट्रिपल कैमरे का स्लॉट जो है आपको Realme Narzo 30 Pro में देखने को मिलता है और आपको 4 कैमरे का स्लॉट जो है आपको पीछे मिलता है, क्वाड कैमरा मिलेगा OPPO F19 Pro Plus में। सो गाइस, पीछे में आपको जो है वो OPPO F19 Pro Plus में 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो शॉट्स के लिए जो है वो दिए गए हैं। वहीं आपको Realme Narzo 30 Pro में जो है वो पीछे के साइड 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस दिया जाएगा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस जो है वो दिया गया है। बैटरी के मामले में बात करें तो 5000 mAh का जो है वो बैटरी दिया गया है Realme Narzo 30 Pro में, उसके साथ आपको 30 वॉट का जो है वो फास्ट चार्जर जो है वो इन द बॉक्स प्रोवाइड किया जाएगा। वहीं आपको OPPO F19 Pro Plus में जो है आपको बैटरी दिया गया है वो आपको 4310 mAh का बैटरी दिया गया है, जिसके साथ आपको 50 वॉट का चार्जर जो है वो इन द बॉक्स आपको दिया जाएगा, सपोर्ट जो है वो दिया गया 50 वॉट का। और इन दोनों में आपको जो है वो एंड्रॉयड 11 का जो है आपको सपोर्ट मिलेगा और कलर OS 11.1 जो है आपको मिलेगा OPPO F19 Pro Plus में, और वहीं आपको Realme UI 2.0 का जो आपको सपोर्ट मिलेगा Realme Narzo 30 Pro में। प्रोसेसर के मामले में बात करें तो दोनों ही में बिल्कुल सिमिलर प्रोसेसर दिया गया है, MediaTek की तरफ से जो है वो आता है, MediaTek का Dimensity 800U। तो ये Dimensity वाला जो ये प्रोसेसर है ये 5G चिपसेट है, तो इस चिपसेट से आप जो है वो 5G जो है वो कॉल ये सब कर सकते हैं। ये जो चिपसेट है वो 5G सपोर्टेड है, तो ये दोनों ही फ़ोन जो है वो 5G सपोर्टेड हैं। दोनों ही में आपको जो है वो वाईफाई ये सब को जो है वो सपोर्ट मिल जाता है, काफ़ी सारे सेंसर जो है आपको देखने को मिल जाते हैं और ब्लूटूथ 5.2 का जो है वो सपोर्ट मिलता है OPPO F19 Pro Plus में, और ब्लूटूथ 5.0 का जो सपोर्ट मिलता है वो आपको Realme Narzo 30 Pro में देखने को मिलता है। दोनों ही में आपको टाइप सी का जो है वो पोर्ट दिया गया है और टाइप सी का जो है वो उसमें पोर्ट का स्लॉट जो है वो दिया गया है। सो गाइस, अब प्राइस डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, तो Realme Narzo 30 Pro का जो है वो 6GB रैम एंड 64GB का प्राइस है 16,999 रुपीज़, वहीं आपको 8GB एंड 128GB का प्राइस है 19,999 रुपीज़। वहीं आपको OPPO F19 Pro Plus का जो प्राइस है वो एक ही वेरिएंट आता है OPPO F19 Pro Plus का, वो है 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज का, जिसका आपको प्राइस मिलता है 25,990 रुपीज़। सो गाइज, यहाँ पे प्राइस डिफरेंस जो है वो आपको 6,000 के अराउंड जो है वो अप्रॉक्स आपको जो है वो प्राइस ज़्यादा मिलता है OPPO F19 Pro Plus में, बट वहाँ पे आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, 50 वॉट का चार्जर मिलता है और वहाँ पे आपको पीछे में 4 कैमरे का स्लॉट मिलता है और उसमें आपको जो है वो ब्लूटूथ 5.2 का जो है वो आपको सपोर्ट मिलता है। तो थोड़े बहुत जो है वो माइनर चेंजेस किए गए हैं, बट अगर आप इन सभी को जो है इग्नोर करते हैं, अगर आपको डिस्प्ले जो है वो सुपर एमोलेड ये सब नहीं चाहिए, तो आप जो है वो Realme Narzo 30 Pro के साथ जा सकते हैं, जिसमें आपको बेस वेरियंट में आपको 6GB रैम एंड 64GB का प्राइस जो है वो काफ़ी कम है उससे, 16,999 रुपीज़। सो गाइज, अगर आपको मेरा ये कंपेरिजन अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर जरूर दूंगा।